जन्मदिन मुबारक होता हूँ पंडित जी। क्या आई बधाई होता हूँ जी। कहिए पंडित जी, हमारी जन्म कुंडली देखी, ये वर्ष हमारे लिए कैसा है? ताऊ जी, ये वर्ष आपके लिए ठीक नहीं है। मंगल चौथे घर से सातवें घर में प्रवेश कर चुका है। ये दशा जीवन में घातक होती है, मृत्यु भी हो सकती है। आपने अपनी कुंडली देखी पंडित जी? कितने साल की आयु लिखी है? ताऊ जी, मेरी आयु 90 वर्ष की लिखी है। इस वक्त 53 का हो चुका, अभी 37 वर्ष और जीऊंगा। अच्छा, लारे लल्ला। सैतीस साल और जीने वाला था ये। यमराज के हिसाब में कुछ गड़बड़ थी, इसके 37 साल मेरे खाते में आ गए। मामी जी, मैं खुद आऊंगा आपको लेने। अजी आप आइए तो सही, देखिए हमने आपके लिए क्या रंग लोक बनाया है। ओके, स्वामी का फोन था दिल्ली से, शाम को वो भी आ रहे हैं जलसे में। जो हो रहा है ना मुझे यहां देखकर, मेरा ये रूप तेरी ही मेहरबानियों की वजह से हो गया है ताऊ। तूने जिसे आग में दबाकर हथियार बना डाला, उसकी धार का एहसास भी तुझे ही होना चाहिए ना ताऊ। रुक जाओ, जिंदगी में पहली बार ताऊ के सामने किसी ने सर उठाया है। लोग जाने तो सही के शेर की मांद में आकर शोर मचाने का अंजाम क्या होता है। किसका अंजाम? तेरे ही गद्दी पे खड़े रहकर तेरे ही आदमियों के सामने आज मैं ऐलान करता हूं कि तेरी मौत से पहले मैं तुझे बेनकाब कर दूंगा, ताकि लोग जाने के मरने वाला ताऊ कोई शरीफ आदमी नहीं, हैवान था। हंस ले ताऊ, हंस ले, ये तेरी आखिरी हंसी है। आज के बाद तू जिंदगी में फिर कभी नहीं हंस सकेगा, ये मेरा वादा है। है ताऊ, इसकी पहचान तभी होती है जब इसे छुआ जाता है। तूने तो मुझे इतने जख्म दिए हैं कि मुझे तो दर्द का एहसास ही नहीं। ये पहले दर्द का पहला एहसास तुझे देकर जा रहा हूं।